समीर, 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 उठो बेटा, सुबह हो गई। हाँ माँ, सुबह हो गई शायद। शायद नहीं, यकीनन। माजी की तरह यादों को भूल जाओ बेटा, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ नजर रखो। मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। अच्छा, जल्दी से। तुम्हारा कॉलेज और पहुंच गई तुम सालेम। जैन, आइंदा मैं तुम्हारे साथ इस मोटर बाइक पे कभी नहीं बैठूंगी। ओके, एज यू विश। अच्छा चलो, 2 बजे छुट्टी होती है और तुमने लेट नहीं होना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी। इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। अगर आपने उन्हें राजी कर लिया ना, तो आपका कमीशन तनख्वाह से ज्यादा हो जाएगा। गुड लक समीर। थैंक यू। गुड लक। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर, आपने याद किया था। हाँ भाई समीर साहब, कल एक पार्टी में डॉक्टर मंजूर से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत मुतासर है भाई वो आपसे। बता रहे थे कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ करते हैं। जी सर, आज मेरी उनसे फाइनल डिस्कशन है। अच्छा, देखें मिस्टर समीर, एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप किसी तरह डॉक्टर मंजूर को राजी करने में कामयाब हो गए ना, तो बस फिर ये समझिए कि पूरे मुल्क में मौजूद मंजूर हॉस्पिटल्स की जो चेन है, उसमें तमाम डॉक्टर्स हमारी कंपनी की मेडिसिन को ही सजेस्ट करेंगे। एंड यू नो,
इट विल बी ए ग्रेट सक्सेस फॉर अस, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, है ना? सर मैं पूरी कोशिश करूँगा। ना कोशिश नहीं, आप उनको राजी करेंगे। देखिए इसी में हम सब का मफाद है। सर मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी मेडिसिन बैन अलावामी मेयार की है और कीमत इंतहाई कम। वेल डन समीर साहब, मैंने ये नोट किया है कि आप में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। आपको पता है कि मैंने अपनी जिंदगी का आगाज भी बिल्कुल इसी तरह किया था। दिन रात की मेहनत और बहुत काविशों के बाद आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मुझे यकीन है कि आप भी एक ही तरक्की करते करते किसी आला मुकाम पर पहुंचे। यू वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you.
जहन भी नजर नहीं आ रहा। तुम्हें उसे क्या लेना देना हा? होगा यही कहीं, उसने किधर जाना है? आजाद पंछी है आजाद पंछी, उसे किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं। पेट्रोल भी डलवाना है यार, इतनी मुश्किल से आज पैसे इकट्ठे किए हैं। हाँ ये बात तो है, ये जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है यार, बाइक्स के पार्ट्स भी महंगे होना शुरू होते हैं। लगता है कंपनियां आपस में मिली हुई हैं। ये क्या तुम सस्ते और महंगे की बातें कर रहे हो? देखो नोमी, ये सस्ता और महंगा करना जो है ये हमारे बस की बात नहीं है। तुम ये बातें छोड़ो और ये पियो। हाँ भाई, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कोई चीज सस्ती हो जाए या महंगी? तेरे लिए तो तेरा बाप पैसा छोड़ गया ना। ऐश कर ऐश। तो मीडियर, ये अपने अपने नसीब की बात होती है, हसद मत कर, हसद करना गुनाह है। मैं दूसरे लोगों की तरह कंजूस नहीं हूँ, जो चीज खुद पीता हूँ तुम्हें भी पिला। इतना फराग दिल है तू तो वापसी पे जाते हुए हम सबकी मोटरसाइकिल की टैंकियां फुल करा दे। बड़े दिनों से दो दो चार चार लीटर में गुजारा कर रहे हैं हम सब। देखो बेवकूफी और फराख दिली में बहुत फर्क हो। याद रखो मैं फराख दिल जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ। अब दो बजने वाले, मेरे जाने का वक्त हो गया, तुम लोग फिलहाल दो दो लीटर पे गुजारा करो। आया सबको पिलाना है। जानता हूँ कि तेरे जाने का वक्त हो, इस वक्त का तो हर वक्त मुझे भी इंतजार रहता है। काश ये ड्यूटी मेरी लगी, काश। मेरे ख्याल ओवर हो गई है। अच्छा हुआ। अपनी बेटी को कंप्यूटर लेके दूंगी। तुम्हारे भाईजान ने खुद मुझे कहा है कि सोनू को कंप्यूटर लेके देना है। सच अम्मी? हाँ, अब खुश हो ना, जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इस दौर में तालीम दिलाना बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो गया है।
जैन को फोन कर दूं, कहीं कल की रेस उसके दिमाग से उड़ी ना जाए, भूल ना जाए यार, बुलकड़ आदमी है वो। हेलो। हाँ जैन। या बोलो, किसलिए फोन किया? यार ये तो हर बात तुम्हारे दिमाग से उड़ जाती है, भूल जाते हो तुम। हाँ कल 1 बजे रेस है, यही याद कराना चाहते हो ना तुम? हाँ गुड, वेरी गुड जैन, इसका मतलब है कि वक्त की पाबंदी भी जरूर करोगे तुम। हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी मामा से क्या बहाना बनाऊं, हो सकता है इजाजत ना मिले। ओहो यार, पहले कभी किसी वक्त तुम्हारे लिए बहाना बनाना मुश्किल हुआ। बोल ना। ओके ठीक है, तो फिर कल मैं तुम्हारी बहन की मंगनी पर आऊंगा। ओह अब मैं समझा, ठीक, अच्छा बहाना है भाई, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा, बाय, याद रखना। मुनासिब समझो तो मैं तुम्हें ड्रॉप दे दूं। क्या भाई? तुम मेरे भाई की तरफ बहुत तेज मोटरबाइक नहीं चलाओ। अगर मैं कोशिश करूं भी ना तो ये बाइक उतना तेज नहीं चल सकती। That's good. मगर मेरी भी एक शर्त। वो क्या? वो ये कि कहीं बैठकर एक-एक वोल्टेज में होगा। अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो? अगर नहीं माना भी तो ड्रॉप तो फिर भी मुझे देना पड़ेगा। ओके। दो कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। आंटी का क्या हाल है? आंटी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। घर में किसी और परत का इजाफा हुआ, आई मीन शादी वादी? नहीं, लेकिन किसी ना किसी को तो आना ही है, अगर मैं उन्हें पसंद आ गया तो। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आई है? कोल्ड ड्रिंक्स लो भाई, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, बड़ी देर लगा दी यार तुमने।
टॉमी नजर नहीं आ रहा, उसने भी तो रेस में हिस्सा लेना था। आ जाएगा अभी थोड़ी देर में अचानक, वैसे भी उसे हैरान कर देने की बहुत ही बकवास किस्म की आदत है। हाँ ये तो है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने 7 सालों से वो कौन सी रेस जीता भाई, अपने वक्त का चैंपियन है। हाँ बल्कि सिर्फ बातों में बस, कल उसका वक्त था और आज तुम्हारा। तो आ गया, हमें कितनी देर रह गई रेस शुरू होने में? तुम बताओ तुम किधर थे? मैं वहाँ जहाँ कोई और रह गया। खैर ये बातें बाद में होती रहेंगी, ये बताओ वार्म अप हुए? Everything is fine and okay. तुम बताओ तुमने वार्म अप होना? मैं तो यहाँ पहुँचने तक वार्म अप हो गया, फिर भी एक राउंड बनता है नहीं? चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आओ यार, अल्लाह तेरा शुक्र। सो मच जैन, मेरी तरफ से भी मुबारक हो।
नो हार्ड फीलिंग्स नो मी। एक्चुअली हम आपस में और आपस में किसी की कोई हार जीत नहीं। जी ये तो तुम्हारा उसने नजर है जैन, वरना कौन जाने कब किसकी जीत हो जाए। हाँ जैन, गिव मी अ फाइव मिनट। एक्सक्यूज मी। ओके इधर इंडिया क्लब चलना चाहिए था ना। जी जैन, आप किसी मतलब के ठीक है। आई प्रॉमिस कि जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा दूंगा। थैंक्स। चलें। थैंक यू वेरी मच। जी जी ठीक है, मंडे को आपको मेडिसिन की डिलीवरी मिल जाएगी। जी हाँ, अब बाकी मामला समीर आपसे मिलकर तय करेगा। थैंक यू। और मुझे यकीन है कि इनमें से किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। इज इट ओके? आप फिक्र ना करें सर, आपकी गैर मौजूदगी में किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड बाय। कुछ तो होना है। आज मुझे ऑफिस से अच्छी कारकर्दगी पर बोनस मिला, मेरी तरक्की हो गई और मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। याहू, अब तो मेरा कंप्यूटर भी आएगा। आएगा ना भाई? आएगा और जरूर आएगा। अम्मी, ये मेरे बोनस के बाकी पैसे, अब आप जाने और आपका काम। नहीं, इसे तुम खुद ही रखो, तुम्हें खुद भी तो जरूरत होगी। हर वक्त हमारे बारे में सोचते रहते। नहीं अम्मी, आपको तो मालूम है मुझे बचपन से एक ही शौक है। मुझे मालूम है। वैसे आपकी इस फटीचे मोटरसाइकिल पे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बैठने का। वैसे भाई एक वादा करें, आप जब भी नया मोटरसाइकिल लेंगे ना तो पूरा एक दिन मेरा होगा। ठीक है भाई। उसे लेने तो दो। वैसे बेटा मैं मना तो नहीं करती, मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है। अम्मी जान, वो तो कंपनी का है। वैसे भी मुझे शाम को दोस्तों के साथ, मेरा मतलब है अम्मी, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो अपना लेने में क्या हर्ज है। लेकिन दूसरे लड़कों की तरह हवा में नहीं उड़ना, हर लम्हा मौत से खेलते हैं वो लड़के। मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं, फिर भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें अपने हफ्ज़े उमान में रखे। अम्मी, दिल से। अरे पगली, माँ का तो सारा वजूद ही दिल है, और वो दिल जिसमें शोहर के बाद सारी जगह अपनी औलाद के लिए होती है। और बस अम्मी, अभी मुझे बाइक तो लेने दें। ये सोनू नहीं है? सोनू की बच्ची तरसती रहेगी कि मैं इसको बिठाऊं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बिठाऊंगा। बड़ा मजा आएगा अम्मी। तोबा तोबा, मैं तो कभी ना बैठूं। पता नहीं लोग उस पर बैठकर सफर कैसे करते हैं। अम्मी डर गई, अम्मी डर गई। चुप, अम्मी डर गई। याद कर लिया? बस यूं। क्या क्या मतलब?
मतलब ये कि मोहब्बत के रंग पड़ रहा था कि अचानक तुम याद आ गई और दिल ने चाहा जो खुशी सबको सुनाई है तुम्हें सुना कर मैं कबूल कर दूँ। हो सकता है तुम्हारे लिए ये छोटी बात है लेकिन मेरे मुस्तकबिल के लिए सुनहरा कदम। कुछ बताओगे भी या पहेलियां ही बुझवाते रहोगे? और हाँ, खुशी तो खुशी होती है, जैसे कि इस वक्त तुम्हारा फोन सुन के मुझे जो चाहा जो सोचा कि हो गया, इससे बढ़ के और खुशी की बात क्या हो सकती है। बात दरअसल यह है लैला कि आज मेरे एमडी ने मुझे ऑफिस में बुलाकर मेरी तरक्की की रिश्वत दी विद बोनस। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। लैला मैं चाहता हूँ कि अपनी खुशी के ये लम्हात मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तो फिर कल आ जाओ ना घर पे, अम्मी भी बहुत खुश होंगी। नहीं लैला, अभी नहीं, पहले मैं तुमसे मिली हूँ, उसके बाद फैसला करेंगे कि जाना चाहिए या। ओके ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। लेकिन कहाँ? राइट रेस्टोरेंट का सर। अच्छा ठीक है, 5 बजे। थैंक यू लैला, तुमने मेरा दिल रख लिया। क्या 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 रखी है? दे दूँ? मेरा मतलब है कि थैंक यू। ओके बाय बाय। कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। जी चाहता है वक्त यहीं थम जाए। और तुम इसी तरह मेरे सामने बैठे। लाइवा तुम्हें पता है खुशखबरी की आग में मैंने तुम्हें अपने मन की बात कहने को। जानती हूँ कुछ कुछ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कुछ ऐसा कहा नहीं। डर लगता है कि मेरे मन में बसने वाले सारे सपने तुम्हारी किनारे से तुम्हारी एक फोन कॉल पे मेरा इस तरह यहाँ आ जा रहा है, इस बात का सबूत है कि शायद मैं भी वो सब कुछ सुनना चाहती हूँ जो तुम कहने से डरते हो। क्या तुम्हें यकीन था कि हम इस तरह दोबारा की मान गए कि तुम मुझे उस वक्त जब मैं अपनी तुम मुझे किसी भी हाल में मिलते, मेरे दिल में तुम्हारी वही जगह है जो 10 साल पहले थी। मेरी जिंदगी में आके मोहब्बत के रंग भर दो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हें पसंद कर लूँ, शायद इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई दूसरा ना आ सके। जानते हो मम्मी ने क्या कहा? क्या उन्होंने मुझसे मिलने पर कोई इतराज किया? उन्होंने कहा है अपने समीर से कहो कि मुझसे मिलने में ताखीर ना करे, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मम्मी से मिल ही लो, कहीं देर ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा सर। तो फिर इसका क्या हाल है? ये देखें आज के अखबारात क्या कह रहे हैं, सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, बहुत से लोग जख्मी, पब्लिक शिकायत कर रही है किसी तरह से इन्हें रोका जाए। अखबारात का क्या है, उन्हें तो बहाना चाहिए पुलिस को बदनाम करने का, किस किस को जवाब दे।
हमें इन लड़कों को रोकना होगा किसी भी तरह। किस कानून के तहत रोके सर? और अगर रोकें भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा सर। लास्ट टाइम हमने कुछ लड़के पकड़े थे, उनमें से एक शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा निकला, और बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है सर कि दूसरे का बाप खुद एक बहुत बड़ा कानूनदान, जिसने विद इन सेकंड्स लड़कों को छोड़ने का हुक्म दिया और हमें छोड़ना पड़ा सर। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनके मुस्तकबिल का ख्याल करना पड़ता है। जब हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो उनका क्या होगा? हमारी जॉब्स को सिक्योर किया जाए तो सर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये बाइकर्स को रोकना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको मुश्किल बनाते हैं लड़कों के पेरेंट्स। इसका मतलब है कि तुम लोग बेबस अपनी अपनी नौकरियों के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते रहो। लेकिन अपना ये भी असूल है कि घोड़े खरीदने से पहले उसके सवारी करें, इसकी हम सवारी करेंगे। लॉक ऑन इनियस जल्दी लॉक, जल्दी जल्दी जाना भी है। अब तो सवारी किए बगैर नहीं जाएगी ना।